हे गाइस, मैं सुधाकर चौरसिया। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन नहीं कराया था, तो चलिए इस नए वीडियो में इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा चैनल है सक्सेस मंत्र, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग डेरिवेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा, माना के परावैद्युतांक वाले माध्यम में कोई बिंदु ए ओ है, जिस पर ई एम करके दिखाते हैं आप लोगों। माना के परावैद्युतांक वाले माध्यम में कोई बिंदु ओ है, जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ हम लोग परीक्षण आवेश को प्लस क्यू नॉट दे देते हैं, यहाँ हम लोग को ज्ञात करनी है। यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश प्लस Q हो, तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल, तो इसके कारण इस पर वैद्युत बल लगने वाला क्या होगा, F इक्वल टू 1/4πε0Q0r² होगा। इसके कारण इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इससे इस पर फोर्स लगेगा तो आगे की ओर रिपल करेगा, ये F डायरेक्शन इसका हो गया। यदि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, यदि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो E इक्वल टू, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, F अपान Q नॉट होता है। तो E इक्वल टू F का ये जो मान हम लोग निकाले हैं, इसमें रखते हैं 1/4πε0Q0r² / Q0। ये इसका Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, E इक्वल टू 1/4πε0Q/r² यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए, एयर के लिए के इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4πε0Q/r² इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। थैंक यू।